Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. हमारे दो में से पेपर है, हमारे पास 28 दिन रहते हैं. सर सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, दिमाग में खिचड़ी बन रही है. बताओ ये खिचड़ी को सॉल्व कैसे करें. सो यस, दीज वर सर्टन क्वेश्चन दैट वर कमिंग इन. सो आई थॉट एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपको गाइड करने के लिए. एंड पांच इसके अंदर आपके सामने पॉइंट्स रखने वाला हूँ दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. वो जो खिचड़ी बन रही है, वो जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको सॉल्व करना है. क्योंकि कन्फ्यूजन के साथ पढ़ोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, कन्विक्शन नहीं आएगा पढ़ाई में. तो वो अपने को यू नो वी हैव टू ट्राई फॉर दैट. तो सिंपल पांच चीजें सुन लो. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट योर एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन. एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा अभी पेंडिंग टॉपिक है, वो आपको लिखना है. इट विल गिव यू एन आइडिया. बहुत बारी क्या होता है, दो तीन बातें दिमाग में ना घूमती रहती है लूप बना के, उससे अपने को कंफ्यूजन होता है. पेपर पे लिखोगे अपने आप चीजें समझ आएंगी कि दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटस, दिस इज आई हैव टू डू, दिस इज द टाइम लेफ्ट. आपको क्लैरिटी मिलती है. तो 15-20 मिनट लगाओ और पेपर के ऊपर सारी चीजें लिखो कि आपको क्या पेंडिंग है क्या नहीं है. आईडीटी और ऑडिट में आपके पास इस बार ज्यादा दिन है. ऑडिट में आपके पास जैसे 2 या 3 दिन और अपने आईडीटी में 3 दिन है. तो आईडीटी और ऑडिट अगले 2 या 3 दिन थोड़ा बहुत करके आप साइड रख सकते हो. ठीक है, प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लास्ट में जब अपने को पेपर में टाइम मिलने वाला है उस दिन हम चीज़ें खींचने वाले हैं. सर मैं भी खींचूंगा आपके साथ आईडीटी और आपकी भी मेहनत रहेगी. सो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे अभी थोड़ा सा बैकसीट दे सकते हो आप इनको. यू हैव 28 डेज लेफ्ट. कभी कभार एक सवाल आता है, सर FR और AFM के लिए कितना टाइम दे. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पहले दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. मतलब पहले दोनों सब्जेक्ट से पूरा टोन सेट हो जाता है और FR AFM में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो. माय एडवाइस वुड बी टू गिव लास्ट 6 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 26th April आप दे सकते हो फॉर द प्योर होल एंड सोल पर्पस ऑफ FR एंड AFM. ठीक है, तो लास्ट के आपके 6 दिन उसके अंदर जा सकते हैं. बचे हुए टाइम में आपको ये चीजें करनी है. कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा. जो बच्चे नहीं आ पाते, जो मैं भी नहीं आ पाता था, बट कोशिश करो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सब कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पेपर में याद नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है. तो वो डर हटा दो. अभी आपको क्या पिक करना है, जो भी आपके टॉपिक्स आपके सामने आए उसमें से जो भी हाई वेटेज एरियाज है और जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं. इट इज़ पॉसिबल कि समथिंग इज एन ए कैटेगरी क्वेश्चन. अब मैं ABC एनालिसिस के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. तो आपके जो भी ए कैटेगरी एरियाज है, लेकिन अगर आपके वो अच्छे से प्रिपेयर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा आईडीटी में लेट से एग्जेम्पशन चैप्टर है. अब सब कहते हैं एग्जेम्पशन तो करना ही करना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल पता है सर. लेकिन अगर आपका एग्जेम्पशन स्ट्रांग है तो अभी आप मत उठाओ उसको. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज इंपॉर्टेंट अभी उठाने की जरूरत है. आप वो टॉपिक्स पिक करो जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, जहां पर आपको मुश्किल आती है, बिकॉज आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करना है. ठीक है ना, तो कोई चीज अगर मुश्किल लग रही है तो उसको अभी पिक करो. कोई चीज इंपॉर्टेंट होते हुए अगर आसान है, यू कैन सिंपली स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं है. एक महीना पहले भी अगर पढ़ाई करी थी, उसको पेपर में पूछा गया, तो आप उसको आंसर कर पाओगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो. चलो, अब सर एक चीज जो एक बच्चा ब्लंडर करता है, और ये चीज कब समझ आती है, ये डिस्कशन के बाद समझ आती है, रिजल्ट्स के टाइम. ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है. माय एडवाइस वुड बी अगले 2-3 दिन में मॉक टेस्ट दे दो. जितने भी आपके सब्जेक्ट है 3 या 6, आपको सब मॉक टेस्ट तो देना ही देना है. 3 घंटे तो एक बार बैठ के देना ही देना है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभार हमारी ना कॉन्सेंट्रेशन की आदत भी नहीं होती है इतनी कि मैं 3 घंटे बैठ के पेपर दे पाऊँ. तो एक बार प्लीज 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे दो. और मैं उसको अभी देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप बाद में दोगे ना अगर लेट से आफ्टर 10 डेज 15 डेज बिफोर योर एग्जाम्स, तो मतलब हो सकता है आपकी कोई गलतियाँ हो या नंबर उतने ना आए. इट विल यू नो लीड टू अ लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन कि यार अभी 10 दिन में पेपर और मेरी हालत ऐसी है. तो अभी मॉक टेस्ट दो, अभी अगर कुछ गलतियां निकली स्टिल हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अभी रिविजन में, जो आपकी लास्ट रिविजन चलने वाली है. ठीक है, तो RTP आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप मतलब यू नो टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखो और फटाफट से आगे बढ़ो. यू कैन सी रिविजन वीडियोज या RTP वीडियोज ऑल्सो, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट एक मॉक टेस्ट बेटा जी आपको देना ही देना है. ठीक है, 3 घंटे का. इस टाइम यू कैन शिफ्ट टू ओरल स्टडी. रिटर्न स्टडी आप छोड़ दो, ओरल स्टडी पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. अनलेस आपको कोई लास्ट में ऐसा पॉइंट लग रहा है कि यू नो निकालना ही निकालना है, तो उसको निकाल लो. बचा हुआ आप ओरल स्टडी में आ जाओ, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके. एक इंपॉर्टेंट टिप, मतलब आपको अब कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है. दैट इज़ माई एडवाइस. अगर कोई चैप्टर पेंडिंग है जो कभी लाइफ में करा ही नहीं है, कि क्लास में भी ढंग से नहीं देखा है, तो मेरे हिसाब से उसको अभी रहने दो. ओके, उससे क्या होता है, देखो एक चैप्टर भी अगर मैं ढंग से करने बैठूँ, ठीक ठाक भी अगर बड़ा हुआ, प्लस उसके क्वेश्चंस
और उसका एक बार रिवीजन, तो वो भी एक दिन दो दिन चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी योर फोकस शुड बी ऑन डन एरियाज जो एक बार आपने पहले किए हैं, आपके पास मार्किंग्स रेडी है, कुछ ना कुछ तो मार्किंग किया होगा ना, हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, क्वेश्चंस में कुछ बातें लिखी होंगी, तो अभी मेरे हिसाब से फोकस आपको सिर्फ उस पर करना है। तो ये पांच चीज़ें जो है मैं आपको जो बोली, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि आपको एक एक सब्जेक्ट का मैं बताऊँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट दीज आर द सर्टन स्ट्रेटजीज विच आई फील कैन हेल्प यू। और एक बात कभी मत भूलना, कोई भी इंसान, आपका दोस्त हो या जो पास्ट में रैंकर्स रहे हो, AIR वन रहे हो, कोई भी 100% कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर नहीं जाता है पेपर में। ऑल इट मैटर्स, या क्या डिफरेंस होता है किसी रैंकर में या किसी उसमें, कि आपका वो 3 घंटे का माइंडसेट कैसा रहता है। वो माइंडसेट अभी आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा अंदर से, आपको होता है ना फेक इट टिल यू मेक इट, वो आपको करना पड़ेगा अंदर से, वो चीज़ लानी पड़ेगी कि यार मैं कर लूंगा। नहीं प्रिपेयर ना, एग्जामिनर को नहीं पता है, ICAI को नहीं पता कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं ऐसा ही आंसर दूंगा। और सर दूसरी चीज़, आपसे 100 नंबर तो नहीं मांग रहे ना, 60-70 मांग रहे ना, 60 में भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो सब कुछ अगर नहीं भी आता होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से मैं 60-70 अगर अच्छे से करूंगा तब भी मैं पास हो सकता हूँ। थोड़ा सा उस एटीट्यूड की तरफ जाओ ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो जाए कि यू नो एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। अगर पढ़ रहे हो तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, नॉट अ वेरी टेक्निकल डिस्कशन, लेकिन मुझे पता है अभी क्या दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो और एक आगे का थोड़ा सा पाथ मिला हो। बाकी मैं ट्राई करूंगा ऐसी चीज़ें रोज आपके सामने ला पाऊं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने ये चीज़ बोली थी कि सर रोज आओ, बेशक कोई नई बात मत बोलो लेकिन रोज आओ। तो सर आपने बोला, मैंने सुना, मैं रोज आऊँगा। इसके सिवा आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि मुझे यू नो डिस्कस करना चाहिए, कोई अपनी व्यूज़ देने चाहिए, होता है ना थर्ड पार्टी व्यूज़ थोड़ा सा हम सुनते ढंग से, तो आप जरूर कमेंट करके बताओ, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर नीड्स राइट नाउ। बाकी IDT की रिविजन चली रही है और भी वीडियोज आने वाली है, इंश्योर करना कि आप अच्छे से देख रहे हो और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बहुत अच्छे से होने वाला है। एंड टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और सम डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।